हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हम लोगों ने लेनी है एक छोटी सी गाड़ी, तो आज का जो व्लॉग है वो गाड़ी पर ही है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने लेनी है छोटी गाड़ी और हमारा जो बजट है वो छोटी गाड़ी का है। तो छोटी गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं ये आपको फहद बताएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो छोटी गाड़ियों में एक तो पिकांटो आती है और दूसरी कल्टस आती है और तीसरी नंबर पे ऑटो आती है, क्योंकि हमारा छोटी गाड़ी का बजट है। तो हम लोगों ने लेनी है जीरो मीटर गाड़ी, क्योंकि जीरो मीटर गाड़ी लेने में कोई टेंशन नहीं होती, बस जाना है और आपने लेकर वापस आ जाना है, मतलब कोई इस पर टेंशन की बात नहीं होती। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया पिकांटो। हाँ, पिकांटो में ये मसला था कि पहले शोरूम वालों को फ़ोन किया, शोरूम वालों ने कहा 6 मंथ्स लगेंगे से डिलीवरी में, और जरी बात है गाड़ी लेनी थी, पैसे खर्च करने थे, तो हम क्या कह रही थी? वालेकुम अस्सलाम। वो जो यहाँ पर मामू आए थे वो वाले मामू ही फिर खाने में कब खाएंगे? कब खाएंगे? नहीं। हाँ, तो फाइनली हम लोगों को एक गाड़ी पासो पसंद आ गई है, तो हम लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो चलें चलते हैं फिर उसको देखने के लिए। लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए। मैं हूँ, अबू और फाहद है और बड़े भाई हैं हमारे साथ। और फिर हमें कुछ टाइम रुकना पड़ा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमें बाजी को ड्रॉप करना था। जब हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर पहुँचे तो वहाँ पे बहुत रश था, पता नहीं क्यों था इतना रश आज। ट्रैफिक जो है वो रुका हुआ था, गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये इस्लामाबाद का मशहूर यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। हाँ, तो सामने वो ट्रक खड़ा हुआ है और मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक जो है वो इसी ट्रक की वजह से रुकी हुई है। हाँ, तो आई थिंक ये ट्रक उल्टा हुआ है शायद।
हाँ मेरा शेक बिल्कुल ठीक था, ट्रक उल्टा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो जाम हुई हुई है। चेक करो यार ट्रक की हालत, अन्य वहाँ गाड़ी चलाते हैं लोग, ट्रक वाले जो होते हैं ट्रक चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट करके बैठे हुए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी भी डैमेज हुई है, ये ट्रक इस गाड़ी पे भी गिरा था। अब्बू को काम था, अब्बू ने काम किया, फिर इन लोगों ने जुमा पढ़ा, जुमा पढ़ के जैसे बाहर निकले तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। और जो शोरूम है वो G8 में है जहाँ हम गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं। यार बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम गाड़ी से निकल के गाड़ी कैसे चेक करेंगे। फाइनली हम G8 मरकज पहुँच गए हैं और बारिश जो है वो अभी भी हो रही है, तो देखें क्या होता है आगे। फिर तो बारिश तो अभी भी नहीं रुकी है, वो सामने पासो खड़ी हुई है, तो जैसी बारिश रुकती है तो हम इसको चेक करते हैं। हाँ तो अभी तक बारिश है, 1.5-2 घंटा हो गया, बारिश रुक नहीं रही है, तो इतनी बारिश में जा के गाड़ी देखने का कोई सीन बन नहीं रहा अभी तक। हाँ तो फाइनली जो है बारिश हल्की हुई है, तो फादर अब्बू जो है वो गाड़ी चेक कर रहे हैं आप। और ये जो टिक टिक की आवाज़ आ रही है ना, ये गाड़ी से नहीं आ रही, ये पीछे जनरेटर लगा हुआ है उसकी आवाज़ है। हाँ तो गाड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, न्यू है, ऑटोमेटिक भी है सबसे बड़ी बात, और काफ़ी अच्छी है, छोटी भी है और ईजिली गैराज में आ भी सकती है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का सौदा हो गया, गाड़ी हम लोगों ने ले ली, अब हम फाइनली घर जा रहे हैं वापस। और ये देखो बारिश अभी भी नहीं रुकी। हाँ तो इसके तो मज़े ही है, नई गाड़ी चला रहे हैं मोटे के मज़े मज़े मज़े। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम नई गाड़ी लेके घर पहुँच गए, हमारा इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये फहद आपको गाड़ी का वॉक अराउंड दिखा रहा है। हाँ तो ये था हमारा आज का व्लॉग, गाड़ी हमने फाइनली परचेज कर लिया न्यू अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आएगा आज का, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें।